सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सन 2017 के जो पेपर हुए उनका सॉल्यूशन हम करा रहे थे। इससे पहले हमने आरंभिक स्तर वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन देखा था। यदि आपने नहीं देखा है साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सन 2017 का पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। पहला बहुविकल्पी की कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है, ये जो है वो सबसे पहले योजना बनाना आवश्यक है। केवल कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर की बात ही नहीं की जाए, वैसे भी कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो होती है योजना बनाना। क्योंकि एक उचित जो आप कार्य करते हैं वो कार्यान्वित तभी सही हो पाता है जब आपने एक उचित योजना जो है उससे संबंध में बनाई हो। अगला प्रश्न दो है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वयन जो है वो नहीं होता है? तो वित्तीय संसाधन जो है ये आपका नहीं होता है, बाकी सभी जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न तीन है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए किस विषय में? गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का, या अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों दोनों का? तो यही आपका ऑप्शन द जो है वो सही हो जाएगा, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों दोनों का ही जो है वो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न चार है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो क्यों या किस बेस पर कह सकते हैं की जानी चाहिए? तो उनकी जो शारीरिक अभिवृद्धि है उसके अनुसार की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे छोटे हैं और जो उनके सामने बेंच रखी है जिस पर वो बैठकर या कुछ भी कॉपी किताब रख कर लिखते हैं वो काफ़ी ऊंची हो तो उन्हें जो है वो लिखने में जो है वो कठिनाई हो। तो उनकी जो शारीरिक अभिवृद्धि है उसके अनुसार ही जो है वो होनी चाहिए। अगला प्रश्न पाँच है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो क्या महत्वपूर्ण पक्ष है, ये जो है वो प्रशासन है, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न छः है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके कौन, पिता, माँ, शिक्षक या भाई बहन? तो सबसे अधिक नज़दीक जो है वो माँ होती हैं, आप सभी जो है जानते भी हैं। अगला प्रश्न सात देखते हैं, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। ये आपसे काफ़ी बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके प्रैक्टिकल जब होते हैं तो उसमें भी आपके ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आठ है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। तो कौन करता है, ये जो है प्रबंधन की जो सफलता होती है उसको जो है वो निर्धारित करता है, ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नौ, प्रश्न नौ है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा, अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या सभी? तो ये जो है तीनों ही आपके आ जाएंगे, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो हो जाएगा। और लर्निंग कॉर्नर क्या होता है ये भी आगे आपका अति लघु में प्रश्न आएगा, वहाँ पर मैं आपको जो है वो बता दूंगा। अगला प्रश्न दस देखते हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा दो में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की जो है वो संख्या जो है वो कितनी है? तो कक्षा दो में जो है वो दो जो है वो पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न 11 है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो एक प्रकार की जो है वो समय सारणी बनाई जाती है। अगला प्रश्न 12 है, समय सारणी उत्तम साधन है, किसका है उत्तम साधन? तो ये जो है वो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का है, जिससे कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप से जो है वो लागू हो सके। अगला है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि जो है वो कितनी होती है? और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए जो है वो पूछा है, तो ये जो है वो कितनी होती है, ये जो है वो 30 से 35 मिनट होती है। और सामान्यतः यही अवधि आप जब लेसन प्लान बनाते हैं वहाँ पर भी जो है आप दर्शाते हैं। अगला प्रश्न 14 देखते हैं, सभी अभिलेख होने चाहिए। तो किस प्रकार के होने चाहिए, ये जो है वो सही भी होने चाहिए, वैध भी होने चाहिए और विश्वसनीय भी जो है वो होने चाहिए। और अगला और लास्ट बहुविकल्पीय 15 है,
कि जिला समन्वयकों के पद जो है वो सृजित किए गए हैं। तो किसके अधीनस्थ किए गए हैं ये आपको बताना है। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। तो इसी के साथ हमारे 15 बहुविकल्पी आते हैं, वो सभी जो है वो समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं हम अब अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे और 4 सेमेस्टर के ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। अति लघु का पहला प्रश्न नंबर 16 है कि प्रबंधन से आपका क्या आशय है। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। सिंपल सी डेफिनेशन है, तो आप इसे इजी तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न 17 है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त भी अन्य भी सामग्री होती हैं, जैसे कि श्यामपट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गया, रेखा चित्र तथा आकृतियाँ हो गया, ग्राफ हो गया, विज्ञान शिक्षण हो गया या विज्ञान शिक्षण सामग्री, ये सभी हो जाएगा। तो इन सभी सामग्रियों को जो एक शिक्षक यूज़ करता है, तो जो उसका जो शिक्षण होता है कार्य, वो अधिक प्रभावी रूप से जो है वो लागू होता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि इन सभी चीज़ों का उपयोग करने से जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट भी जो है वो बना रहता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के ग्राफ, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगला है प्रश्न 18, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो विद्यालय में मानवीय प्रबंधन के घटक कौन कौन से होते हैं? प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय, समुदाय में ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ, ये तीनों ही जो है वो आ जाएंगे। अगला है प्रभावी शिक्षण के गुण बताइए। तो यहाँ पर जितने भी आप प्रश्न अभी तक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने मन से जो है इन्हें बनाकर लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको समझने वाली जो है वो बात है। इसीलिए मैं जितने भी आपको सेट सॉल्व करा रहा हूँ उसमें मैं अति लघु और बहुविकल्पी सेक्शन ही जो है वो करा रहा हूँ, क्योंकि लघु में सभी प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने आप से जो है वो लिख सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, प्रभावी शिक्षण के गुण बताइए। तो एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है, वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है, जैसे कि आप देखते भी हैं। अध्यापक का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो, ऐसा ना हो कि बच्चे आपसे जो है वो कटें। अगला है अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक का बहुत प्रभाव जो है वो जो बालक होते हैं, जो छात्र होते हैं, उन पर भी पड़ता है। अगला है अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेल कूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए, छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए तथा उनके जो समक्ष विद्यालय की प्रगति हैं और योजनाएं हैं उनको संतुलित रूप से रखना चाहिए। शैक्षिक और अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन बिल्कुल निष्पक्ष एवं न्यायोचित रूप से करना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को आप ज़्यादा नंबर दिए दे रहे हैं या किसी को कम दिए दे रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी को जो है जो मूल्यांकन है वो एक बराबर से जो है वो होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है छात्र छात्राओं में परस्पर सहयोग एवं प्रतिद्वंद्वता का विकास किया जाना चाहिए। देखिए जो प्रतिद्वंद्वता का विकास करना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि बच्चा अगर अपने में अकेले में ही जो है वो तैयारी कर रहा है तो उसे लगेगा कि वो बहुत अच्छा है, परंतु जब वो 20 लोगों के बीच खड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि उसका स्थान कितना नीचे है, कितना ऊपर है। तो एक प्रतिद्वंद्वात्मक जो विकास के लिए आप यूज़ करते हैं बहुत बहुत हेल्पफुल होती है, बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके उसमें। अगला प्रश्न 20 है, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है।
इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी चटाई आदि खरीदने में, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार, घड़ी आदि सभी खरीदने हेतु, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि ये सभी खरीदने हेतु, उसके अलावा विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने हेतु, और प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित या सुसज्जित यहाँ पर होगा थोड़ा सा गलत लिखा है सुसज्जित करने हेतु। अगला प्रश्न 21 है, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। तो आप सभी जानते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री से जो शिक्षा है उसको गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि छात्र उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम के माध्यम से जो है जो शिक्षा है उसको बनाया जा सकता है। और भी आप लिख सकते हैं जैसे कि जो अधिगम होता है वो कहीं ना कहीं स्थायी हो जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री से। तो ये सभी पॉइंट आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 22 है, लर्निंग कॉर्नर क्या है। यही आपका बहुविकल्पी में आया था, मैंने आपसे कहा था अति लघु में आएगा तब मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। तो लर्निंग कॉर्नर अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। लर्निंग का अर्थ है सीखना तथा कॉर्नर का अर्थ है कोना, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने का कोना। लर्निंग कॉर्नर से तात्पर्य है कि वह विशेष स्थान जो शिक्षार्थी के सीखने में सहायता प्रदान करता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे समझ सकते हैं। और लर्निंग कॉर्नर में समस्त सामग्री स्वव्यवस्थित एवं क्रमानुसार रखी जाती है जिससे अधिगम में सहायता प्रदान होती है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला 23, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए ताकि इंटरेस्ट बना रहे, पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, ऐसा ना हो कि छात्र को समझ में ही ना आए, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन के अवसर भी प्रदान करने चाहिए या स्वमूल्यांकन के अवसर हों, इस प्रकार की पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके, जो कि मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया, और पाठ्यपुस्तक जो है वो बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक होनी चाहिए। ऐसा ना हो बच्चा उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, उसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा हो, तो उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए, और जब स्तर के अनुसार होगा तो जाहिर सी बात है उसे रोचक भी लगेगी। अगला प्रश्न 24 है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं, इसका ज्ञान हो जाता है, या कह सकते हैं कितने अध्यापक हैं, उनका क्या नाम है, ये भी एक समय सारणी में बना लेते हैं। तो उसमें लिखते हैं सारी चीज़ें और किसको क्या कार्य देना है कि आपको ये पीरियड में जाके ये सब्जेक्ट बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है छात्रों को, तो छात्रों को भी जब पहले से पता होता है कि आज जो ये वाला चैप्टर है सर पढ़ाएंगे, तो बच्चे थोड़ा सा उसको पढ़कर आते हैं पहले से, तो वो भी कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज़ पढ़कर आते हैं ज़्यादा समझ में आती है। तो ये सभी जो है वो समय सारणी बनाने में जो है, या समय सारणी क्यों बनाई जाती है उसके हेल्प में जो है वो आपको दिख जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25, पर्यवेक्षण जो है उसका अर्थ बताइए। तो पर्यवेक्षण क्या होता है। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन जो है उसका हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि सुपर प्लस विजन जो विद्यालय विकास को गति जो है वो प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास जो है वो हो सके। पर्यवेक्षक का काम जो है वो उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। तो सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन है पर्यवेक्षण की। तो ये हो जाएगा पर्यवेक्षण। बात करते हैं अगले प्रश्न 26 की, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाएं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए उसे ही हम समेकित शिक्षा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगला है प्रश्न 27, डाइट मेंटर कौन होते हैं। तो कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका निस्तारण करते हैं, या कह सकते हैं उन्हें दूर करते हैं। अब पहला पॉइंट है, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद उसके समाधान हेतु उपाय भी जो है वो करते हैं। दूसरा पॉइंट है, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ भी प्रस्तुत करते हैं।
तीसरा है खेल गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग को भी सुनिश्चित करते हैं। तो ये सभी इनके कार्य जो है वो लिखे हुए हैं। चौथा पॉइंट है विद्यालय के प्रांगण, आकर्षक कक्षा कक्ष, शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में भी शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनका क्रियान्वित करने में भी जो है ये सहायता देते हैं। पांचवा पॉइंट है समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित भी करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना, समाज के वंचित वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन और ड्रॉपआउट बच्चों के पुनः नामांकन में सक्रिय योगदान भी जो है वो करते हैं डाइट मेंटर। तो ये सभी जो है इसके कार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न 28 है एनपीआरसी के तीन प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र, या कह सकते हैं एनपीआरसी की फुल फॉर्म न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, इंग्लिश में यदि आपसे पूछी जाए। बात करें इसके कार्यों की तो पहला कार्य है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का जो है वो कार्य किया जाए। दूसरा है ये केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्यानुभव गतिविधियों का केंद्र होगा। और तीसरा कार्य है कि ये ब्लॉक संसाधन केंद्र जिसको हम कहते हैं बीआरसी उसको अधिक प्रभावी करने हेतु इसके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण एवं विद्यालयों प्रभावकारिता का निरीक्षण करके सुझाव व सहयोग भी प्रदान करेगा। तो ये सभी जो है वो कार्य हो जाएंगे एनपीआरसी के। अगला प्रश्न देखते हैं 29 खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर दें, खेलकूद पर जो है कुछ ही छात्रों को एकाधिकार ना होने दें, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करें, खेल के अवसर पर जो अध्यापक हैं उनकी उपस्थिति अवश्य हो और मार्गदर्शन भी जो है वो करें, कक्षा बार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन भी करें, खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखें, स्थानीय खेलों को भी समावेश करें। तो सभी जो है वो सिद्धांत हो जाएंगे। और अगला इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 30 है लोच का सिद्धांत क्या है? तो प्रबंधन साधन है ना कि साध्य, इस साध्य के ऊपर अधिकार जो है वो नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम अध्ययन विधि परीक्षा समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष जो है वो इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला जो है वो रखा जाए। यही जो है वो लोच का सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। आपने काफ़ी बार जो विशेषताएं देखी होंगी उसमें लिखा भी रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है अति लघु सेक्शन और बहुविकल्पी सेक्शन का। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अलावा इसे पहले वाले सेट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।